हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता। आप कैसे हो? आपके किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कराची हलवा बनाने वाली हूँ। कराची हलवा बनाने के लिए मैंने शुगर लिया है, 1 कटोरी शुगर है और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर है, और ये घी लिया है, और ये हमने जैसे भी आप फ्रूट कलर चाहो उस कलर को आप डाल सकते हो, हमने ऑरेंज वाला लिया है। कराची हलवा बनाने के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको आप रोस्ट भी कर सकते हो। हमने अच्छे से साफ कर लिया है, तो हमने इसको इलायची को पीस लिया है। ये टाटड़ी है जिसे ऐसी मार्केट में मिल जाती है, आप ला सकते हो। इसको नींबू से बोलते हैं, ला सकते हो। 2 बादाम लिए हैं, 2 काजू लिए हैं, और ये आप चाहो तो कद्दू के बीजे भी ले सकते हो और खरबूजे के बीजे भी ले सकते हो, तरबूज के बीजे भी ले सकते हो। हमने कद्दू के बीज लिए, आपके पास जो हो वही ले सकते हो। और ये टाटड़ी लिए जिसको हम चाशनी में डालेंगे। ये हमने ट्रे पर टिश्यू पेपर रखकर ग्रीस कर लिया है। घी से आप चाहो तो तेल से भी कर सकते हो। हम एक पैन में शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं लेना है। और जो हमने नींबू सत आप जिसे जो कहते हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको डालने से हमारी शुगर चिपकेगी नहीं। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। हम एक बाउल में कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। इतना ही पानी ऐड करना है हमें, इसमें इतना ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे मिक्स करते रहें। देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल कितना अच्छा बन गया है। आप इस तरह का इसे रखें, बिल्कुल दूध के जैसा बनना चाहिए, जैसा दूध होता है ना आपका, इस तरह से रखें इसको बनाकर। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब जो हमने कलर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। आप जो फूड कलर चाहे वो फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी चाशनी का कितना अच्छा कलर आया है। हम इसमें धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। एकदम से कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है। आप इसमें सारा कॉर्नफ्लोर एक साथ ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही कॉर्नफ्लोर डालें और इस तरह से चलाते रहें। देखिए इस तरीके से हम इसमें धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर डालते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे बीच बीच में चलाते रहे, रुकना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चलाते रहे, देखिए हमारा ये हलवा बनने के लिए तैयार होने लग गया है। इस तरह से चलाते रहे, धीरे 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 कर चलाते रहोगे तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। इस तरह से देखिए कितना अच्छा बन रहा है। देखिए वीडियो में आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है, ऐसा लग रहा है तो बहुत सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार होगा। अगर आप इसी स्टेप में बनाते रहोगे तो हमारी स्टेप देख ध्यान से देखते रहे, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए कितना धीरे धीरे करके हमारा जो हलवा है वो गाढ़ा होती जा रहा है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। एक साथ घी ना डाले, थोड़ा थोड़ा कर घी डाले और इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ घी डालने से फिसलने लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपको मीडियम रखना है वरना ये जल जाएगा। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। हम इसमें 1-1 चम्मच करके घी ऐड करेंगे, एक साथ ना करें। हम इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो छोटी छोटी टिप्स होती है फिर आप उसे समझ नहीं पाएंगे और आपका हलवा बिगड़ सकता है। हम इसे लगभग 10 मिनट तक चलते रहेंगे। इस तरीके से लगातार हम इसे 10 मिनट तक चलेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें सिर्फ 3 चम्मच घी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए गाइस हमारा हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अगर आप इसी स्टेप में बनाओगे, इसी तरीके से बनाओगे तो आपका हलवा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। देखिए बिल्कुल भी इसमें अंदर गुठलियाँ नहीं दिख रही है, कितना अच्छा मेजरमेंट इसका आया है। जब तक हमारा हलवा गाढ़ा ना हो जाए तब तक चलाते रहे। ये खाने में बहुत टेस्टी होता, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है हमारी कराची हलवा का। बिल्कुल सॉफ्ट हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। आप इस तरीके से इसे चलाते रहें। आप
आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आप इसे चलाते रहें। फ्रेंड फ्रेंड से थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसी तरह से अच्छा बनेगा आपको अगर आप चलाते रहोगे तो। हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे, और हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। आप इसे इस तरीके से चलाते रहें, हमें इसे अच्छे से गाढ़ा करना है। देखिए गाइस, अभी हमारा बना नहीं, हमने थोड़ा सा एक बाउल में अलग डाल लिया था चेक करने के लिए। इसके इससे टूट रहा है, इसका मतलब अभी कच्चा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक डो की तरह ये बनने लगा है इस तरीके से। गाइस इस तरह से हमारा ये बिल्कुल खिंचाने लगा है, इसका मतलब कि हमारा कराची हलवा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, देखिए गाइस, एक ट्रे में हमने घी लगा लिया था, उसमें हम हमारे कराची जो हलवा हमने बनाया है वो हम उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे इस तरीके से, और हम इसे ठंडा होने पर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसे सेट करके रखें, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। देखिए गाइस, हमने कराची हलवे को हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया, उसके बाद हमने इसे कट कर लिया है। हमारा कराची हलवा बनके तैयार हो गया है। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत कम खर्च में हलवा बनके तैयार हो जाता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कराची हलवा कैसा लगा।